हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस को डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक थिंकर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो अब तक हमने कवर किया, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हुआ। फिर उसके बाद हमने तीन थिंकर्स कवर किए, वुड्रो विल्सन, हेनरी फ्यॉल एंड एडब्ल्यू टेलर। साथ ही हमने ये भी उनके एडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्यॉल की कॉन्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर भी किया। एंड द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज लूथर हेल्सिगलिक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। लूथर गलिक का टाइम पीरियड रहा है 1892 से लेकर 1993 तक। सबसे पहले हमने, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी किया है, हम बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं थिंकर का, इसके पीछे रीजन क्या है। कि देखिए, एक तो आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है कि आप उसके थिंकर के बैकग्राउंड को जानें। एंड सेकंड चीज़ें इसलिए भी हम डिस्कस करते हैं क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि वो थिंकर का बैकग्राउंड बताओ। बैकग्राउंड एज इन कि उसकी जो ग्रेजुएशन थी या उसकी जो स्टडीज़ थी वो कौन से बैकग्राउंड में थी। वो सोशियोलॉजिस्ट था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट था या कुछ भी, जो भी क्वेश्चन जो थिंकर था उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए अब लूथर गलिक के बारे में बात करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन जापान एंड ही डिड हिज ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उनका जन्म जापान में हुआ था और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में की। देन ही कंप्लीटेड हिज PhD इन 1920 फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ओके, and after then he was appointed as a professor in Columbia University itself, and there he taught municipal science and administration. He also served in on the National Defense Council during the First World War, and then after he also served as an administrator of New York City from 1945 to 1956. और वो प्रेसिडेंट भी रहे थे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के एंड अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको इन शॉर्ट हम आसपा भी बोलते हैं। ओके, तो इनका क्या था, इनका जन्म हुआ था जापान में, इनकी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से हुई थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने 1920 में अपनी PhD की डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया। फिर उन्होंने नेशनल डिफेंस काउंसिल में सर्व किया। उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे न्यूयॉर्क सिटी के, एंड देन ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एंड आसपा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना एक कन्फ्यूजन होता है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या है। वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है उनको ये चीज़ समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जब वुड्रो विल्सन ने 1887 में एक स्टेटमेंट दिया दैट देयर शुड बी डाइकॉटमी बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या था कि पॉलिटिक्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस ना करे, इन दोनों फील्ड्स के बीच में एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए। तो वुड्रो विल्सन से लेके आगे आने वाले कुछ थिंकर्स ने सिर्फ अपनी थ्योरीज को जो है इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था। व्हाई? बिकॉज दैट वाज एन एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही थी एंड मोस्ट ऑफ द थिंकर्स चाह रहे थे कि कैसे इंडस्ट्रीज की इकोनॉमी और एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए। तो उन्होंने अपना काम इसी चीज पे फोकस किया। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रीच्ड इट्स जेनिथ इन 1937। ओके, कब ये पीक पे पहुंचता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? इन 1937 व्हेन पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैंने इसको इतना फोकस करके इसीलिए बोला है बिकॉज साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये पेपर जो है गलिक का, ये कई बार यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा पेपर दिया था लूथर गलिक ने। ओके, सो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर का नाम था और ये गलिक और अर्विक दोनों का काम था। ओके, अभी तक इस वाली स्लाइड में हम, इस वाली वीडियो में वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट गलिक एंड नॉट अर्विक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अर्विक की, बट इनको हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने साथ में दिया था। इन द वर्ड्स ऑफ अर्विक, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमैनिटी टू एडवांस इट्स नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अनलेस द फैक्टर ऑफ स्ट्रक्चर इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कंसिडरेशन हाउएवर आर्टिफिशियल सच आइसोलेशन में अपेयर। इसका क्या मतलब है कि कितना भी आप, अब तक जो थिंकर्स थे एफडब्ल्यू टेलर या वुड्रो हेनरी फ्यॉल, उन्होंने क्या बोला कि कैसे मैनेजर्स को अच्छा काम करना चाहिए, कैसे वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है भाई, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बात की चीज़ है, पर अनटिल अनलेस आप एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरिंग कैसे होना चाहिए, उसको आप कैसे बनाओगे,
कैसा वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए इसके बारे में बात नहीं करो, तो कितना भी आप एडवांस चीजें दे दो, आपकी जो ये डिजाइनिंग प्रोसेस है बहुत ही इलॉजिकल होती है अंटिल अनलेस आप ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर के बारे में ना बात करो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को ड्यू इंपॉर्टेंस दो। इनकी अप्रोच को हम इंजीनियरिंग अप्रोच भी बोलते हैं। कौन सी अप्रोच? इंजीनियरिंग अप्रोच। ये इंजीनियरिंग अप्रोच इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि आप स्ट्रक्चरिंग दे रहे हैं ना। इंजीनियरिंग का काम क्या है? इंजीनियरिंग में क्या होता है? आप चीजें बना रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। तो सेम वे दीज थिंकर्स फोकस देयर वर्क ऑन स्ट्रक्चरिंग, सो देयर अप्रोच इज नोन एज इंजीनियरिंग अप्रोच। देयर एफर्ट्स वर फोकस्ड ऑन डिस्कवरिंग न्यूट्रल प्रिंसिपल्स सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज। इन्होंने क्या बोला कि कुछ न्यूट्रल प्रिंसिपल्स देते हैं, ना मैनेजर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना वर्कर्स को, कुछ न्यूट्रल प्रिंसिपल्स देते हैं जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। देखिए अब तक हम देखते आए कि FW टेलर और हेनरी फ्योल ने कुछ ऑब्जर्व किया अपने एक्सपीरियंस से, फिर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए। द सेम वे गलीग के भी कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। वो क्या ऑब्जर्वेशंस थी? टास्क आर हाईली डिसिमिलर। ओके, जो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, सेम काम कम होता है। नीड इम्प्रूवमेंट्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड मेथड्स। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन शुड बी गाइडेड बाई लाइन एंड स्टाफ प्रिंसिपल। अब ये लाइन एंड स्टाफ प्रिंसिपल क्या है? जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ ये चीज़ कि हमारे पास दो टाइप की एजेंसीज हैं, एक्चुअली तीन टाइप की, लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी। लाइन एजेंसी होती है जो कि डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ को अचीव करने के लिए काम करती है। स्टाफ एजेंसी होती है जो कि लाइन एजेंसी को असिस्ट करती है या उनको एडवाइज करती है। और ऑक्सिलरी एजेंसी होती है कि जो बेसिकली हाउसकीपिंग का काम देखे। ओके, सो ये ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन गलीग के हिसाब से शुड बी गाइडेड बाय लाइन एंड स्टाफ प्रिंसिपल। ऑर्गेनाइजेशंस आर अनऑर्गेनाइज्ड, गलीग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस आर अनऑर्गेनाइज्ड, एक बड़ा स्टेटमेंट था। दे हैव नो डिजाइन फॉर कंट्रोल। ठीक है, ये गलीग की ऑब्जर्वेशंस थी। गलीग्स 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने इस बात को भी आपको याद रखना है कि 10 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन अगेन पूछ लिया जाता है कि गलीग ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे। अभी के लिए मैं सिर्फ प्रिंसिपल्स को रीड करूंगी, हम इनको सेपरेटली एक एक करके समझेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। द फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, सेकेंड वॉज बेसिस फॉर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वॉज कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की। बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है उसे हम 4P फॉर्मूला भी बोलते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। देन कम्स कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की। हायरार्की क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? कि एक स्ट्रक्चर होता है, पहले एक बॉस आता है, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट्स आते हैं। तो एक स्ट्रक्चरिंग होती है ना कि एक के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड हायरार्की एंड देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्कीज। डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन बाय आइडियाज। Coordination through committees, decentralization, unity of command, staff in line, and race to our delegation and span of control. According to Galik, the most important principle is division of work, that is specialization. अब हमने देखे 10 principles discuss कर लिए, तो Galik ने खुद ही बोला कि जो मैंने 10 principles दिए हैं उसमें जो most important principle है किसी भी organization में वो है division of work. एक idiom होता है दैट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ओके, कि एक इंसान को 1000 काम आते हैं पर वो परफेक्ट किसी भी काम में नहीं है। इसके बजाय ऐसा होना चाहिए कि उसको एक काम आए पर उसमें वो बेस्ट हो। उसको 1000 काम ना आए ये चलेगा, एक काम आए पर उसमें वो बेस्ट हो। ही कंसीडर इट एज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गलीग कहते हैं कि जो डिविजन ऑफ वर्क है या स्पेशलाइजेशन है, that is the foundation of any organization. His principle can be divided into 4 different theories. उनके principles को हम 4 अलग अलग theories में बांट लेते हैं। कौन सी? सबसे पहला आते हैं हमारे पास departmentalization, second thing is division of work, third is coordination, and last one is POSCOP. Actually this POSCOP is an acronym for different words. इसको हम पढ़ेंगे अभी। अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि ये 4 प्रिंसिपल्स, सॉरी इन्होंने 10 प्रिंसिपल्स दिए जिनको हम 4 थ्योरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, सो दैट एक पढ़ने में इजी होता है हमारे को ये चीज। द नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम इन 4 थ्योरीज को सेपरेटली डिस्कस करते आइए।
थ्योरीज ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसको हम 4P फॉर्मूला भी बोलते हैं। गलीक सेड कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। वी ऑल नो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश होते हैं और वो अलग अलग काम करते हैं। तो गलीक सेड कि डिपार्टमेंटलाइज जब आप करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटते हैं, तो वो किस बेसिस पे बांटते हैं? आप एक क्राइटेरिया तो रखा होगा ना आपने कि ये क्राइटेरिया है, ऐसे लोग जो होंगे जो अकाउंट्स का काम देखेंगे वो एक डिपार्टमेंट में काम करेंगे, जो HR का काम देखेंगे वो एक डिपार्टमेंट में काम करेंगे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड पर्सन अलग डिपार्टमेंट में रहेंगे। तो गलीक ने इस चीज़ को 4P फॉर्मूला बोला है, ठीक है। क्या है बोला है? 4P फॉर्मूला। अब ये 4P फॉर्मूला है क्या हमारा? सबसे पहला हमारे 4P जो है, हमने चार P's इनिशियल्स लिए हैं, इनिशियल P लिए हैं हमने वर्ड्स के, और ये वर्ड्स क्या है? पर्पस। सबसे पहले तो क्या उनका पर्पस है? डिपार्टमेंट आप बना रहे हो, सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना रहे हो, तो सब ये जरूरी है ना कि वो किसी पर्पस के लिए बैठे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप उनको पर्पस के बेसिस पे डिवाइड करो। प्रोसेस यानी कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, कटिंग है, मेटलर्जी का काम है, तो वो एक डिपार्टमेंट करेगा। एक वेल्डिंग का काम अगर अलग है, कटिंग का काम मेटल का अलग है, वेल्डिंग का अलग है, तो डिफरेंट डिफरेंट उनको क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है उनके काम में, उनके स्किल्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट में बांटो उनको। थर्ड इज पर्सन क्लाइंट। अब आपको किसको डिलीवर करना है सर्विस, उसके क्राइटेरिया उस बेसिस पे बांटो। एंड लास्ट वन इज प्लेस और एरिया, कि वो किस एरिया में काम कर रहे हैं उस चीज पे बांटो। इसको हम बोलते हैं 4P फॉर्मूला। तो अब इसको हम क्रिटिसाइज करते हैं कि इन्होंने जो 4P फॉर्मूला दिया है उसका क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। सबसे पहले इनकम्पैटिबल विद ईच अदर। ये जो चार फंक्शंस हैं, चार पीज हैं हमारे, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस, ये एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठते। कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, उनका काम कुछ है, मान लीजिए कटिंग का काम है और उनको डिलीवर करना है किसी, यानी कि डिलीवर उनको रिपोर्टिंग का काम जो है किसी और पर्सन को दिया गया, तो वो इनकम्पैटिबल है एक साथ के साथ। देखिए HR वाला का जो काम होगा कई बार वो देख नहीं पाएगा कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्या है। सेकंड क्रिटिसिज्म है इसका ओवरलैपिंग। इन चारों पीस के बीच में बहुत ओवरलैपिंग थी, एक दूसरे के काम में ओवरलैप करते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस 4P फॉर्मूला इज वेग। ये एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं दे रहे थे कि गलीक बोलना क्या चाह रहे थे। कि आप फंक्शंस को देख लो, स्किल्स को देख लो, एरिया एरिया क्या, एज इन वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इस चीज़ को। तो इसको हम वेगनेस भी बोलते हैं, कि बहुत वेगनेस थी उनकी ये 4P फॉर्मूला में। डिविजन ऑफ वर्क, सॉरी आई हैव टू रिमूव दिस थिंग। डिविजन ऑफ वर्क, देखिए डिविजन ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन जिसको गलीक कहते हैं, फाउंडेशन है उनके प्रिंसिपल्स का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप लोगों को काम डिवाइड कर दो, ठीक है, उनको जो जिस काम में परफेक्ट हो उस काम में उनको दे दो। ह्यूमन नेचर, उसके लिए उन्होंने 3 पैरामीटर्स रखे, ह्यूमन नेचर, टाइम एंड स्पेस। सबसे पहले तो चीज़ आती है कि एक इंसान का काम क्या होता है। जब हम आगे आने वाली बिहेवियरलिस्ट को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि थ्योरी एक्स एंड वाई होती है, कि एक इंसान के नेचर में ही होता है, इनहेरिटेड होता है, दैट ही हैज एन टेंडेंसी टू अवॉइड द वर्क। कई बार लोग काम करना नहीं चाहते, इस नेचर के अलग होते हैं। कई बार लोग इस नेचर के होते हैं कि वो एक्स्ट्रा काम मांगते हैं। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेचर हैं। तो गलीक सेड कि सबसे पहले तो आप नेचर देखो कि इंसान का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम असाइन करो। सेकंड थिंग टेलर सेड, सॉरी गलीक सेड दैट अ टाइम टाइम पैरामीटर ऑफ टाइम शुड बी कंसीडर्ड। टाइम मतलब कि कितना टाइम में एक इंसान काम कर रहा है। मान लीजिए किसी की टेंडेंसी है फटाफट काम करने की, या कितना टाइम नीडेड है एक काम को करने की, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कई बार होता है टेंडेंसी टू अवॉइड, तो लोग क्या करते हैं उस काम में तो अच्छे हैं। मान लीजिए कोई गारमेंट इंडस्ट्री है जिसमें स्टिचिंग का काम है, तो वो इंसान काम में तो अच्छा है, वो बहुत अच्छी स्टिचिंग करता है, उसकी एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल बहुत अच्छी करता है, पर वो बहुत टाइम लेता है, ठीक है। उसका नेचर और टाइम, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ आ गई ना यहाँ पे डिविजन ऑफ वर्क में। एंड लास्ट थिंग इज स्पेस, स्पेस का जो पैरामीटर उसको भी कंसिडरेशन दे। तो डिविजन ऑफ वर्क में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो जिस काम में गलीक सेट के जो जिस काम में परफेक्ट हो उसको वो काम असाइन कर दो। एंड असाइन करने के बाद उसमें आपको देखना है, परफेक्ट होने के बाद भी कई बार क्या होता है कि वो परफेक्ट तो है पर वो बहुत टाइम ले रहा है,
तो आप इस चीज को भी कंसिडर करो कि परफेक्ट भी हो, जितना टाइम नीडेड है उतने टाइम में करे। ओके, सो डिविजन ऑफ वर्क हमने डिस्कस कर लिया, अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। कोऑर्डिनेशन दो तरह से होती है, बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय डोमिनेंस ऑफ आइडियाज। अब बाय ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अभी हमने हायरार्की पढ़ा। एक तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले सीईओ होगा, एमडी होगा, सीईओ होगा, जो भी होंगे वो अलग अलग रैंक्स पे होंगे ऑफिसर्स, उनके नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे, फिर क्लर्क, प्यून, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोअर हायरार्की में डिवाइडेड है वो। तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा वर्क का, कि जो जिसका सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करेगा, अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। तो एक तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ओके, कि पहले सपोज करिए इधर एक बॉस है, उसके नीचे दो बॉस हैं, उसके नीचे एक बॉस, उसके नीचे एक बॉस, और उसके नीचे और बॉस। तो ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कैसे करेगा, ये वाला जो हमारा पर्सन है वो डायरेक्टली इसको नहीं रिपोर्ट करके किसको रिपोर्ट करेगा, अपने इस बॉस को रिपोर्ट करेगा। ओके, सो कोऑर्डिनेशन बाय हायरार्की, कि आप हायरार्की जो है ऑर्गेनाइजेशन में उसके उसको कंसीडर करके फिर आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें। देन कोऑर्डिनेशन कम्स बाय डोमिनेंस ऑफ आइडियाज। अब भाई आइडियाज को भी आप इक्वली इंपॉर्टेंस दो, जिसके अगर कोई बहुत बेस्ट है तो आप उनके आइडियाज को भी सुनो, उनके आइडियाज को भी एक दूसरे के साथ लोग आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, हायरार्की को साइड में रखें, तो आप इस चीज को भी ड्यू इंपॉर्टेंस दो। जो हमारे ये पे नेक्स्ट आता है वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंडर ही हम स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ेंगे, जो कि गलिक का एक प्रिंसिपल था। गलिक सेड कि मैनेजर्स की जो एबिलिटी है हैंडल करने की अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो अगेन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी क्या है, कि फटाफट से उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग बदलते नहीं हैं, अगर लोग आते हैं तो एक स्टेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए उधर सर्व करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई मैनेजर है, आप ऑर्गेनाइजेशन अगर हर दो महीने पे अपने मैनेजर्स को चेंज करेंगे तो उसको तो एक डिफिकल्टी होगी ना, नए मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में या ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को समझने में, या सबऑर्डिनेट्स चेंज होते रहेंगे तब भी सेम प्रॉब्लम होगी। तो गलीक सेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना स्टेबल है, इस चीज़ पर भी मैटर, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना हो सकता है एक मैनेजर का। स्पेशलाइजेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट। सपोज करें कि एक टेक्निकल कॉम्पिटेंस वाले सारे लोग एक डिपार्टमेंट में हैं, जैसा कि गलीक सेट कि आप उनको उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, हमने डिवाइड कर दिया, और उनको रिपोर्ट करना है कि ऐसा उनका जो मैनेजर है, मान लीजिए मैनेजर को भी उतनी ही टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, तब तो वो उसका कंट्रोल करना इजी होगा। बट अगर ऐसा वो टेक्निकल कॉम्पिटेंस वाले जो लोग हैं उनको अगर एक मैनेजमेंट का इंसान देखेगा तो उसको डिफिकल्टी होगी उनको कंट्रोल करने में। क्यों डिफिकल्टी होगी, क्योंकि सबसे पहले तो उसको उसका काम समझ नहीं आएगा, कि उसको टेक्नोलॉजी रिलेटेड इतनी नॉलेज नहीं होगी, उसको मैनेजमेंट का आइडिया है तो उस चीज़ में उसको प्रॉब्लम होगी। सेकेंड चीज़ बोलते हैं गली कि स्पेस। आपके पास एरिया कितना अवेलेबल है उस चीज़ को मैनेजर्स को हैंडल करने के लिए, कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकें, तो इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देंगे, तभी हम स्पैन ऑफ कंट्रोल को रीड कर सकते हैं। अब हम आगे वाली वीडियो में जब अरविक को डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि अरविक तो डायरेक्टली सेड कि पाँच से छः लोगों को ही एक मैनेजर हैंडल कर सकता है, पर गलीक ने यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी, बट इंस्टेड गलीक ने बोला कि कुछ पैरामीटर्स को आप कंसीडर करो, जिसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा एक मैनेजर का, कि मतलब वो कितने लोगों को एक पॉइंट पे कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड अंडर कोऑर्डिनेशन। ईच वर्कर शुड हैव ओनली वन बॉस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन व्हेन वी वर डिस्कसिंग हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल सेड, जो कि गलीक ने भी बोला, फॉलोअर हैं तो भाई उनकी बातों को तो लेंगे। ईच वर्कर शुड हैव ओनली वन बॉस। हर एक वर्कर के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। इसका कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे था, एफ डब्ल्यू टेलर, जिन्होंने बोला एट बॉसेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं, गलीक बोलते हैं कि हर एक सब वर्कर के ऊपर सिर्फ एक बॉस हो। इससे क्या होगा कि आप में कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा कि एक वर्कर को दो लोगों से ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो वो किसकी सुने। अगर उसके ऊपर एक ही बॉस होगा तो उसको एक ही बॉस का ऑर्डर सुनना है, तो इससे क्लैरिटी आएगी
और उसको पता होगा कि उसको किसके ऑर्डर्स को मानना है. तो यूनिटी ऑफ कमांड इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेट कैसे करेगा वो. POSCOP, एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. अब देखिए जो POSCOP व्यू है हमारा, और जो POSCOP है हमारा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है गलिक का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में. आइए अब डिस्कस करते हैं कि POSCOP है क्या. सबसे पहले तो अ गलिक सेट की पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग. अब देखिए भाई, आपने कोई काम करना है तो आप सबसे पहले प्लान करते हैं ना कि आपको ऐसे ऐसे करना है. विदाउट प्लानिंग तो आप कर नहीं सकते हैं. एक ब्लूप्रिंट आपको रेडी करना होता है, तो वो ब्लूप्रिंट बनाने का जो काम है दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग. ओके, सो सबसे पहले आप प्लान करेंगे कि आपको करना क्या क्या है. तो आउटलाइन द थिंग्स नीड टू बी डन. ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग. अब देखिए, आपने प्लान कर लिया, एक ब्लूप्रिंट बना लिया, अब आपको ऑर्गेनाइज करना है. जो अब तक हमने पीछे की स्लाइड्स में पढ़ा कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर रेडी करना है आपको. आप मैनेजर्स हायर करेंगे, आप सॉरी हायरिंग का तो काम नहीं, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि मैनेजर्स हायर होंगे, वर्कर्स हायर होंगे और सबको अथॉरिटी दी जाएगी. ओके, सबको उनके, अब आपको काम कराना है तो आपको उनको उनके काम जो उनको नीडेड है उसके अकॉर्डिंग आप उनको अथॉरिटी भी देंगे, उनको पावर्स देंगे. S stands for staffing. Training the staff and maintaining favorable conditions of work. आप स्टाफ जो आपने हायर किए हैं उनको ट्रेन करेंगे और उनके काम करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस को रेडी करेंगे. D stands for directing. Giving orders to control the subordinates. Subordinates को कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे उसको हम डायरेक्टिंग के अंडर कंसीडर करते हैं. CO stands for coordinating. That is duty of interrelating the various parts of the work. अब देखिए, कोई गा सपोज करें कोई गारमेंट इंडस्ट्री है जिसमें अलग अलग काम हो रहा है, कहीं पे पैकिंग हो रही है, कहीं पे स्टिचिंग हो रही है, शिपिंग का काम अलग है. तो अगर सब डिपार्टमेंट बोलें कि हमने अपना अपना काम कर लिया, पर इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब कि आपका गारमेंट रेडी है, पैक्ड है, पर शिपिंग डिपार्टमेंट को आपने इंक्लूड नहीं किया, उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो ऐसे इंडस्ट्री काम नहीं करेगी. तो गलीक सेट कि आप इंटर रिलेट करें वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्क को. R stands for reporting, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्म करें अथॉरिटी को, जो आपके ऊपर अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करें दैट वॉट इज गोइंग ऑन, आपका काम कैसा चल रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उनको बताना. B stands for budgeting. ये तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप बिना पैसे के तो आप चला नहीं सकते, आपको पैसा लगेगा. अब वो पैसा आप ले रहे हैं पर उसके बाद आप उसकी प्लानिंग तो करेंगे ना, फिस्कल प्लानिंग बोल सकते हैं इसको. फिजिकल प्लानिंग को हम बजटिंग बोलते हैं. तो गलीक सेट की बजटिंग इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो क्या है POSCOP? पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग. ओके, सो नेक्स्ट कम्स है इन द लिस्ट इज क्रिटिसिज्म. अब देखिए, अब हमने हर थिंकर को क्रिटिसाइज किया उनके थ्योरीज को पढ़ने के बाद, तो वील क्रिटिसाइज गलीक एज वेल. तो उनके अलग अलग थिंकर्स ने इनको क्रिटिसाइज किया, इनके जो व्यूज थे उसको, कि ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. गलीक को इसलिए क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने बोला गया, बाकी के थिंकर्स ने बोला कि आपने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है. अब पीछे के थिंकर्स ने क्या बोला कि आपको टाइम देखना है या स्पेशलाइजेशन, रेम्यूनरेशन. तो गलीक को इस पैरामीटर पे बोला कि आपने सिंपल बोला है कि एक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या उसका काम होना चाहिए, पर आपने इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन के काम को. सेकंड पैरामीटर ऑन विच गलीक वाज क्रिटिसाइज वाज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मान लीजिए कोई टेक्निकल कॉम्पिटेंस वाले बंदा एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, पर ही इज मैनेज्ड बाई समवन, मतलब उसका जो वर्क है, उसका जो सुपीरियर है वो कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड बंदा है. तो दोनों की फील्ड्स तो अलग हो गई, तो कैसे वो यूनिटी ऑफ कमांड, वो मैनेजमेंट का काम, मैनेजमेंट वाला इंसान कैसे एक टेक्निकल फील्ड वाले को गाइड कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाता है. द लास्ट क्रिटिसिज्म इज वेगनेस इन अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल्स इन द रियल वर्ल्ड. ये वेग है, ये उनके प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा वेग बोला गया. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. थैंक यू. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. और अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. थैंक यू.